दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कश्मीर के मौजूदा हालत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कश्मीर के मामले में बीजेपी को सोच समझ के बयान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में महागठबंधन के घटक दल शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुमका से पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे। केरल के वायनाड से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर वाम दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम राहुल गांधी को सबक सिखाएंगे कि जमीन पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें एक्सपायरी पीएम बताया और कहा कि मोदी की तरह झूठ नहीं बोलती हूं। उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया। इसके साथ ही जनता से देश को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठिए देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार को चुनते हैं तो हम अगले 5 साल में देश से हर एक घुसपैठिए को निकाल फेंकेंगे। फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने भारत में असुरक्षित माहौल होने की बात कहने वाले कलाकारों को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिन कलाकारों को भारत में डर लग रहा है वह पाकिस्तान जाकर रह सकते हैं। कभी आम आदमी पार्टी का अहम चेहरा रहे कुमार विश्वास को बीजेपी पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से टिकट दे सकती है और सूत्रों की माने तो बीजेपी को लगता है कि विश्वास एक अच्छे वक्ता हैं और अपनी वाकपटुता से भीड़ को बांध कर रख सकते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पार्टी की मांग को लेकर कहा है कि अगली सरकार किसी की भी आए जेडीयू कभी भी इस मांग को नहीं छोड़ेगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का बादशाह करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और झूठ एक ही तराजू के दो पल रहे हैं, ऐसे में उन्हें चौकीदार नहीं बल्कि झूठों का बादशाह कहना चाहिए। गरीब किसान नौजवान के बाद अब पूर्व सैनिकों को साधने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद हम सिविल सेवा में योग्य पूर्व सैनिकों के प्रवेश की अनुमति देंगे। लोकसभा चुनाव में यूपी के आजमगढ़ से प्रत्याशी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मात देने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार की सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के प्रत्याशी डॉक्टर वरुण कुमार ने सीतामढ़ी सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिसके बाद जेडीयू ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार पिंटू को अपना उम्मीदवार बनाया है। भोपाल सीट पर धुआंधार प्रचार में लगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी टीम को ऐसे युवा मतदाताओं पर फोकस करने को कहा है जिन्होंने कांग्रेस का शासनकाल नहीं देखा हो। राजस्थान के उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस का घोषणा पत्र को झूठ का पुलंदा बताया और दावा किया कि राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तराखंड के पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी की पत्नी मेहा खंडूरी ने यमकेश्वर में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, इस बारे में जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पैरोल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है और दिल्ली सरकार को 12 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। रांची से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि आज किसान और जवान दोनों ही शहीद हो रहे हैं, यह चुनाव बीजेपी की इसी तानाशाही के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सूबे की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम ने कहा है कि उन्होंने और वीरभद्र सिंह ने नई पीढ़ी के लिए सभी पुराने गिले शिकवे को भुला दिए हैं।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को देश और हिंदुत्व की जरूरत बताते हुए सवाल किया कि क्या देश को फिर से कांग्रेस व भ्रष्टाचारियों के हाथ में छोड़ना उचित होता। यूपी के पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि पीलीभीत के महाराजपुर गांव के दो घरों में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। पुलवामा घटना और एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका से वार्ता को शुरू करवाने के लिए मदद करने की गुहार लगाई है। अमेरिका में भारतीय मूल के 3 कंसल्टेंट को H-1B वीजा के लिए नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को स्पीड ब्रेकर दीदी करार देते हुए कहा कि वह राज्य में विकास को रोकने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी को गरीबी चाहिए ताकि वोट बटोर सकें। महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP के सहयोगी दल पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता जयदीप कवाड़े ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी गडकरी के पास बैठकर संविधान बदलने की बातें करती है और लगातार पति बदलने वाली महिला की बिंदी भी बढ़ती रहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह की धारा को हटाने के वादे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले के साथ है या तिरंगा जलाने वाले के साथ है या अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने वालों से भी कांग्रेस सहानुभूति रखती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से अपसपा हटाने के वादे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सशस्त्र बलों को कमजोर करना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस अपसपा अधिनियम 1998 को कांग्रेस संशोधित कर देश को आतंकवादियों के आगे घुटने टिकवाना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरसिंह मिश्रा की एक तरफा नीति एवं अपने बेटे समेंद्र मिश्र को कांग्रेस लोकसभा का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इसका विरोध करते हुए बलांगीर जिले के 9 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज असम के गोलाघाट में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम देश के 20% गरीब परिवारों को 5 साल में 3,60,000 रुपए उनके खाते में डालेंगे। एशियाई विकास बैंक ने विश्व स्तर पर पनप रहे व्यापारिक तनाव को देखते हुए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कटौती करते हुए इसे 7.6 की जगह 7.2 कर दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की 16वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में भाजपा ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें मुंबई उत्तर पूर्व से ग्रीट सोमैया का टिकट काटकर मनोज कोटक को दिया गया है। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उतारा गया है, जो पहले सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के साकेत में मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि उनका पोटेशियम लेवल बढ़ गया है और उन्हें ICU में भर्ती कराना पड़ा। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे जवाहरलाल नेहरू की आत्मा राहुल गांधी में आ गई है। कश्मीर को भारत से अलग करने का जो प्रयास नेहरू ने किया था, अब उसे पूरा करने का इरादा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में व्यक्त किया है। भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष करते हुए पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि जिनकी मैडम का नाम नान घोटाले में आता है और जिनके पुत्र ने खोल रखा है विदेश में खाता, जिनका दामाद कई दिनों से फरार हैं, बताओ जरा कौन चौकीदार हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बस अब 11 अप्रैल का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी मतदान हो और जनता अपना फैसला बीजेपी के हक में देकर बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्स पेयर को सावधान करते हुए कहा है कि वह फर्जी टैक्स रिफंड मैसेज के बहकावे में न आए और किसी भी सूरत में अपने बैंक अकाउंट, पिन नंबर, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित जानकारियां किसी अनजान सोर्स के सामने शेयर न करें। वित्तीय संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज के विमानों के परिचालन से बाहर होने का सिलसिला जारी है और कंपनी ने बताया है कि विमान पट्टे का किराया नहीं चुकाने पर उसे 15 और विमान खड़े करने पड़ रहे हैं। 27 राज्यों से करीब 1000 चिकित्सकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ई सिगरेट और विभिन्न स्वादों में उपलब्ध हुक्का समेत इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की अपील करते हुए कहा है कि भारत में इसे महामारी बनने से पहले, खासकर युवाओं के इसकी चपेट में आने से पहले इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। बीसीसीआई लोकपाल न्यायमूर्ति डीके जैन ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली से पश्चिम बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार की भूमिका के रूप में हितों के टकराव के आरोप पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पर रोक लगाने की मांगों के बीच अभिनेता विवेक ओबराय ने कहा है कि उनकी फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए, ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी पसंद आएगी। फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी ने कांग्रेस के टिकट पर मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ रही अभिनेत्री उर्मिला मतोडकर पर निशाना साधते हुए कहा है कि उर्मिला ने हाल ही में कश्मीरी मुसलमानों से मुस्लिम धर्म अपनाते हुए अपना नाम बदल कर निकाह किया है, तो हिंदू वाले नाम से चुनाव लड़ने का कारण क्या है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सभी सरकारी नौकरियां हैं, इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और इस पर अमल कीजिए, हो सकता है आपको इनमें से कोई एक नौकरी मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है पंजाब एंड सिंध बैंक में, पदों की संख्या है 14 पद, पद का नाम है कलर, आवेदन की अंतिम तारीख है 12 अप्रैल 2019, आवश्यक योग्यता है 12वीं पास, उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष, चयन की प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन खेल प्रदर्शन, फील्ड टेस्ट, टूर्नामेंटों में फिटनेस प्रतिनिधि स्तर पर खेल योग्यता के अंकों के आधार पर किया जाएगा, मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतमान 11,765 से लेकर 31,540 रहेगी। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.abhiudana.bank.co पर जाकर विजिट करें। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक में नहीं जाना चाहते तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाए हैं, इसे ध्यान से देखें और इस पर अमल कीजिए। ये वैकेंसी है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थान का नाम गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, पदों की संख्या है 21 पद, पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, आवेदन की अंतिम तारीख है 18 अप्रैल 2019, आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग मैकेनिकल, उम्र की सीमा है 18 से 30 वर्ष, मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतमान 9,300 से लेकर 34,000 रुपए है, आवेदन करने के लिए www.gpsc.gov.in पर जाकर विजिट करें और इस बात का खास ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, आगे हमने सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए, स्थान का नाम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पदों की संख्या है 57, पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, आवेदन की अंतिम तारीख है 29 अप्रैल 2019, आवश्यक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इलेक्शन एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री, मासिक आय 35,000 रुपए, आवेदन करने के लिए www.districtcourt.gov.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, आगे हमने सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वो है गुजरात उच्च न्यायालय का, जी हाँ, अगर आप गुजरात उच्च न्यायालय ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए, स्थान का नाम गुजरात उच्च न्यायालय, पदों की संख्या है 26, पद का नाम है जज, आवेदन की अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2019, आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में डिग्री होनी चाहिए, आयु की सीमा 35 से 40 वर्ष की है, जिसमें 51,650 स्केल YPA, आवेदन करने के लिए www.gujaratcourt.gov.in
www.nic.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाए हैं, वो है स्नो एंड एवलेंच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट SASE। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्नो एंड एवलेंच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट SASE ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम स्नो एंड एवलेंच स्टडीज एस्टेब्लिशमेंट SASE। पदों की संख्या है 20। पद का नाम है जूनियर रिसर्च फेलो। आवेदन की अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है MEMTech, जिसमें उम्र की सीमा है 18 से 30 वर्ष। पे स्केल है ₹25,000। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार दस्तावेजों के साथ 30 अप्रैल 2019 को निदेशक हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन परिष्ठन SASI अनुसाधन और विकास केंद्र RDC सेक्टर 37 चंडीगढ़ में वॉक यूटी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो विवरण हो उसे ही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पदों की संख्या है 2000। पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर POS। आवेदन की अंतिम तारीख है 22 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है ग्रेजुएट। उम्र की सीमा है 21 से 30 वर्ष। पे स्केल ₹23,700 से ₹42,020 तक रहेगा। आवेदन करने के लिए www.sbi.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, आगे हम सरकारी नौकरी का एक और इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जो है वेस्ट बंगाल पुलिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम वेस्ट बंगाल पुलिस। पदों की संख्या है 3000। पद का नाम है एक्साइज कांस्टेबल। आवेदन की अंतिम तारीख है 10 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है 12वीं क्लास पास होना चाहिए, जिसमें उम्र की सीमा 18 से 27 वर्ष है। साथ ही इसमें पे स्केल 5400 से लेके ₹25,200 तक रखा गया है। आवेदन करने के लिए www.policewb.gov.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये नौकरी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, वो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। पदों की संख्या है 6380। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। आवेदन की अंतिम तारीख है 15 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें उम्र की सीमा 18 से 37 वर्ष रहेगी। साथ ही इसमें पे स्केल ₹46,000 तक का है। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर करा जाएगा। आवेदन करने के लिए www.pariksha.nic.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये नौकरी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए सरकारी नौकरी का एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जहां दोस्तों, अगर आप कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखें और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पदों की संख्या है 1450। पदों का नाम है AEE AEJE जूनियर असिस्टेंट। आवेदन की अंतिम तारीख है 8 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है BA BTech डिप्लोमा 10th पास होना चाहिए, जिसमें उम्र की सीमा 35 वर्ष रखी गई है, जिसमें पे स्केल ₹46,880 तक का है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.kptcl.com पर जाकर विजिट करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये नौकरी भी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए सरकारी नौकरी का एक और इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, वो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखें और इस पर अमल कीजिए। स्थान का नाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों की संख्या है 524। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन की अंतिम तारीख है 15 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें उम्र की सीमा 21 से 42 वर्ष तक रहेगी, जिसमें पे स्केल 15,600 से लेकर ₹42,000 तक है। आवेदन करने के लिए www.hpsconline.in पर जाकर विजिट करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में दो रैलियों को संबोधित करेंगे, एक सिलीगुड़ी में और दूसरा कोलकाता में। आपको बता दें कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस रैली में लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। कर्ज लौटाने में एक दिन की भी चूक पर कंपनियों को दिवालिया घोषित करने वाले आरबीआई के परिपत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने के फैसले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्रीय बैंक बाजार के वर्तमान स्थितियों के मुताबिक ही फैसला होगा। दिल्ली में आखिरकार कांग्रेस आपके बीच गठबंधन पर चल रही ऊहापोह की स्थिति पर विराम लग गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन पर अपनी मुहर लगा दी है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। नमो टीवी पर पीएम मोदी के भाषण और कार्यक्रम दिखाए जाने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग में की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जया प्रदा लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन से पूर्व वह रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी और अपनी मूर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर से बिफरी बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि देश में मूर्तियां लगाने की पुरानी परंपरा रही है और अगर भगवान राम, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल और नेहरू की मूर्तियां लग सकती हैं तो फिर इनकी क्यों नहीं। आरजेडी में अंदरूनी घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह उनके दो उम्मीदवारों के बारे में फैसला करें या फिर वह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने क्रिश्चियन मिशेल के बाद एक और उग्रवादी को भारत को सौंप दिया है। इस बार यूएई ने जैश ए मोहम्मद के सदस्य निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंपा है। निसार जम्मू कश्मीर के लेथपुरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर दिसंबर 2017 की घटना का मुख्य साजिश करता है। कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के हो रहे विरोध के बीच सूर्या के रोड शो में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने खुद रोड शो करके प्रदेश बीजेपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि सूर्या को केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन मिला है। यूपी के मेरठ में बीजेपी के नेता जयकरण गुप्ता ने प्रियंका गांधी विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, अच्छे दिन कहाँ आए, क्या उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं देते, अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीश झुकाने लगी। राजद नेता तेज प्रताप ने एक राजद नेता के खिलाफ खुद को मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया है। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनके निजी सचिव सृजन स्वराज के मोबाइल पर मारने की धमकी दी गई है और धमकी देने वाले ने खुद को गोह का छात्र राजद अध्यक्ष बताया है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी आरआर बंसल ने छतरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए सलाह दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि गांव में जाएं और जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनसे पर्ची ले आएं और वोट डालें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख ने क्रिस्टिन लगार्डे ने ब्रेक्सिट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को झटका लगने की आशंका जताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर इस साल अनुमान से कम रह सकती है, हालांकि साल के आखिर में इसके संभलने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के धरोहरा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद का आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। जितिन प्रसाद पर आरोप है कि उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति के बिना सीतापुर के हर गांव कस्बा स्थित पर्यटन विभाग के अतिथि गृह में बैठक किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अत्यधिक भूख से अपनी जान गंवाने वाले लोगों को लेकर जारी करते हुए कहा कि पिछले साल दुनिया के 53 देशों के करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य को फूलपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं के बीच योगेश ने उसका खंडन करते हुए कहा कि यह आधिकारिक घोषणा नहीं है और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। राजस्थान के बीकानेर में एयरफोर्स स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हाईवे के पास जिंदा मोर्टार मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल वायुसेना के अधिकारियों ने इसे कब्जे में लेकर पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दे दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस एनसीपी उम्मीदवारों को वोट देने के आदेश पर मनसे के वोटर और कार्यकर्ता पेशो और कार्यकर्ता पशोपेश में हैं। सूत्रों की माने तो मनसे कार्यकर्ता राज ठाकरे के इस निर्णय से नाराज हैं।
ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकरुबुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक को लेकर पीएम मोदी के निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम हमेशा मुस्लिम महिलाओं को और उनके तलाक के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी पत्नी को कोई अधिकार दिया है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।